काबुल में जिस तरह से धमाके हुए 100 लोगों की जानें उसमें गई है। हम इस तरह की घटना के कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जिन लोगों की जानी गई उनके परिवार के साथ सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, देश के सभी राजनीतिक दलों ने एकजुटता से निर्णय लिया है कि जो भारतीय अफगानिस्तान में है उन्हें सुरक्षित देश में वापस लाया जाए। जिन लोगों ने मदद की है, अगर सरकार कोई तय करती है उन्हें लाने के लिए, तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान को लेके सभी राजनीतिक दलों का रुख एक होना चाहिए। हम लोग सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि सरकार सबको विश्वास में लेके निर्णय ले, ताकि देश एकजुटता से अफगान समस्या के लिए जो भारत को कदम उठाना है वो उठाए। जा रही है केरला में जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, क्या महाराष्ट्र आने वाले दिनों में तीसरे लहर के लिए तैयार है और किस तरीके की सुविधाएं? देखिए, कोविड को लेके ये चर्चा काफ़ी दिनों से है कि तीसरी लहर आ सकती है। ये भी सच्चाई है कि 2 दिनों से आंकड़ों में कुछ हद तक बढ़ोतरी हो रही है। तीसरी लहर की जहाँ तक सवाल है, इसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे इस तरह से कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के हर जिले में पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया, डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए गए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाई जाए उसके लिए भी काफ़ी बड़े पैमाने पर कदम उठाए गए, लेकिन कुल मिला के 1500 मेट्रिक टन की क्षमता आज हमारी है। जब 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, सरकार ने फैसला किया है कि हम लॉकडाउन लगा देंगे। आज ऑक्सीजन का कंजम्पशन 200 मेट्रिक टन है। लोगों से यही आशा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। जिस तरह से केरला में स्पाइक आया है, हमें लगता है अगर उस तरह से चीज़ें देश भर में हुई तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। कोविड जो है वो कंप्यूटर से आया है, भगवान ने कंप्यूटर से भेजा है इस वायरस, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, बहुत सारे लोग सरकारी पदों पे मंत्री पद पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। हमें लगता है कि टास्क फोर्स बना हुआ है, ICMR उसको लेके सारी चीज़ें तय करती है, केंद्र सरकार सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान ठीक नहीं। हमें लगता है ये लोग जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। गिरफ्तार किया जाता है, क्या कुछ है? मुझे पता नहीं राणे साहब क्या बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना एम्पिरिकल डाटा तैयार किए, ट्रिपल टेस्ट किए OBC आरक्षण जो राजनीतिक है उसको लेके चुनाव नहीं हो सकते, इस तरह का आदेश पारित कोर्ट ने किया। राज्य सरकार ने कोई फार्मूला बनाया है जिसमें नया कानून बनाकर जहां 50% से ज़्यादा मर्यादा उल्लंघन नहीं करेगी वहां 27% या कुछ जिलों में परसेंटेज कम होगा, इस तरह की व्यवस्था की जाए। सरकार ने फार्मूला बनाया, सभी राजनीतिक दलों के सामने चीज़ों को रखी है। हम लोग चाहते हैं कि OBC आरक्षण के साथ चुनाव हो, सभी लोगों में कंसेंसस बनाया जा रहा है और हमें लगता है कि सभी राजनीतिक दल इस फॉर्मूले को मानेंगे और सारे चुनाव OBC आरक्षण के साथ होंगे। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर OBC राजकीय आरक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे। एम्पिरिकल डाटा तयार करणे, ट्रिपल टेस्ट करणे, नंतर OBC आरक्षण देणे, या प्रकारचे आदेश कोर्टाने दिले होते। म्हणजे 50%पेक्षा जास्त आरक्षण नको आदेशमुळे बरेचसे प्रश्न निर्माण झाले। राज्य सरकारने नवीन फॉर्म्युला तयार केलेला आहे, 50%च्या मर्यादेत राहून
अपन जिथे 27% शक्य है तिकडे 27%, जिथे काही कमी होऊ शकते तिथे त्या पद्धतीने असा एक फॉर्म्युला तयार करून कायदा आपल्याला करता येते. त्यासाठी सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय झाला तर आपल्याला पुढच्या जी निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थेची होतील त्याच्यात ओबीसी आरक्षण बाधित अबाधित राहतील. त्यासाठी सर्व पक्षांमध्ये एकमत निर्माण करण्यासाठी बैठक झाली. पुढे पण काही लोकांनी बैठक घेण्याच्या बाबतीत सांगितलेलं आहे, पण या फॉर्म्युला ॲक्सेप्ट झाल्यानंतर कायदे केल्याने निश्चित रूपाने महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणला धरूनच होऊ शकते. देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर.